आज हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स जरूरी होता है वो है 10th और 12th की मार्कशीट। अगर आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो उसे डिजी लॉकर से डाउनलोड कर लो, अच्छा रहेगा है ना। लेकिन ओरिजिनल हो तो वो ठीक है। 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। फिर जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो हमारा होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए, जोसा की साइट से बिजनेस रूल में डला हुआ है, वहाँ से उसे फॉर्मेट को डाउनलोड करके उस पर स्टैम्प और साइन हायर ऑफिसर से करवा लो, वो आपका चल जाएगा। पीडब्ल्यूडी के लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट जोसा की साइट पर फॉर्मेट दिया हुआ है, उसे डाउनलोड करके ऑफिसर से साइन करवा लो। उसके बाद जो आता है क्रॉस बैंक चेक। क्रॉस बैंक चेक चाहे आपका पेरेंट्स का हो या आपका हो, उसे ही यूज़ करना। उसके बाद आता है बैंक की पासबुक का फोटो। जो भी आप क्रॉस बैंक चेक लगाते हो उसी की पासबुक का फोटो होना चाहिए। उसके बाद आता है आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपके लिए रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद है मेंस का एडमिट कार्ड और आता है आपका मेंस का स्कोर कार्ड। मेंस का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड वही लेना जिसमें आपकी परसेंटेज अच्छी आई थी, जिसकी रैंक जिसके थ्रू आपकी रैंक बनी। उसके बाद आता है आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कैटेगरी सर्टिफिकेट OBC EWS, इनके लिए 1 तारीख के बाद का कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन SC ST के लिए पुराना भी होगा तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेंट्रल का होना चाहिए। ठीक है, नमस्कार, ऑल द बेस्ट।